स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। शौचालयों में ठीक से साफ सफाई न होने पर जताई नाराजगी। खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नजर नहीं आया सोशल डिस्टेंस। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने रविवार को संभल में जिला अस्पताल और महिला वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही नॉन कोविड मरीजों के इलाज में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान शौचालयों में ठीक से साफ सफाई न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से हालचाल जाना, अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछताछ की। लेकिन निरीक्षण के दौरान संभल के जिला अस्पताल में साफ तौर पर सोशल डिस्टेंस का पालन होते नजर नहीं आया। तस्वीरें ऐसी भी सामने हैं जिसमें साफ तौर पर सोशल डिस्टेंस को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, जो इस कोरोना काल में खासा चिंता का विषय। जी सर, आज आप जैसे जिला अस्पताल में आए हैं, जैसे क्या मिला अभी तक? हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑपरेशन यहाँ पहले से भी नहीं होते रहे हैं, लेकिन जो पैथोलॉजी है वो चालू है। इन्होंने कहा कि या बताया है अभी आपके सामने कि जो एक्सरे मशीन है वो काम कर रही है, किसी का जिसका भी एक्सरे है उसको कोई दिक्कत नहीं होने दी गई है। और जो गंभीर मरीज हैं वो पहले भी यहाँ से मुरादाबाद, जो कि बहुत पास में है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पर एज ए मुख्यालय उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज में या उसको जिला अस्पताल में यहाँ से भेजे जाते रहे हैं, ये परंपरा है। तो ये बात संज्ञान में आई है, तो इसको हम ठीक करेंगे। या एनेस्थीसिया चालू हो गई अपने वेंटिलेटर 27 यहाँ पर आइसोलेशन में मरीज हैं। और वहाँ पर कितने हैं जहाँ पर कोविड सेंटर में? सर, कोविड सेंटर पर इस समय 51 पेशेंट्स हैं। बैठिए ना सर, 51 पेशेंट अभी करंट में। हाँ, कितने लोग ठीक होकर गए? सर, 71 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 71 डिस्चार्ज हुए, 72 सर इन एक्टिव हैं, 72 एक्टिव हैं, 71 डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। टोटल वर्ल्ड 43 पेशेंट्स हैं इस समय हमारे लिए, मतलब 72 अभी ट्रीटमेंट में हैं और 71 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। यह केला देवी क्वारंटाइन सेंटर था, उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि 199 भर्ती रहे, एक भी निगेटिव नहीं आया। माना तो ये भी जाता है कि वह देवी कृपा है, लेकिन सूचना ये मिली है कि वहाँ ठेकेदार को भुगतान न होने कारण उसको सेंटर को बंद कर दिया गया। क्या बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है, कब की बात है? अभी लगातार पिछले 1.5 महीने केला देवी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर बीएससी बनी हुई है। अभी जैसे केला देवी है, कारदान है, सर गुन्नौर का आसरा आवास है, उसके अलावा राधा गोविंद है जो कि हमारा चंदौसी में है, हकीम रईस है सर, वही सिपाही। तो आज की डेट में भी सर